नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ग्लोबल एटॉमिक नेटवर्क टीम वारियर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों आज सभी लोग एक्साइटेड होंगे, काफ़ी अच्छी न्यूज़ आई है और जिसका काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, 3 से 4 साल। 2016 से जिस प्रकार से आपको पता है कि एटॉमिक का रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ था इंडिया में, और 2 से 3 साल से काफ़ी लोग मेहनत कर रहे थे और काफ़ी रूमर्स थे मार्केट में कि कंपनी आएगी कि नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी, काफ़ी टाइम से चल रहा था, 2-3 साल से काफ़ी लोग सुन रहे थे। लेकिन इस जो ये जो पीरियड है 3 से 4 साल का, इसमें काफ़ी लोग सुन रहे हैं, काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, और डेफिनेटली जिन्होंने यहाँ पे हार्ड वर्क की है, एक अच्छी टीम बनाई है और एक अच्छी लीडरशिप डुप्लीकेट की है अपनी टीम के अंदर, अब उनका फ्यूचर यहाँ पे सिक्योर होने वाला है और वो सभी लीडर्स यहाँ पे सक्सेस होने वाले हैं अपनी पूरी की पूरी टीम के साथ। जी हाँ दोस्तों, एटोमी इंडिया की जो ऑफिशियल न्यूज़ है वो आ चुकी है और 11 नवंबर को एटोमी इंडिया में लॉन्च हो रही है, जो कि बहुत ही बड़ी न्यूज़ है आज की। आज 21 अक्टूबर है और आज ये जो न्यूज़ है एटोमी इंडिया ऑफिस की तरफ से डिक्लेयर की गई है, और जितने भी रॉयल क्लब के मेंबर हैं इंटरनेशनली, उनकी मीटिंग्स हुई थी आज, और उस मीटिंग के अंदर ये डिक्लेयर किया गया था कि एटोमी इंडिया लॉन्च हो रही है 11 नवंबर को, और जितने भी एटोमियंस हैं काफ़ी एक्साइटेड होंगे दोस्तों। और हमारी जो टीम वारियर फैमिली है इंडिया के अंदर, जिसका एक अपना अलग पहचान है, डेफिनेटली हमारी टीम वारियर फैमिली और जितने भी एटोमियंस हैं इंडिया में, जो लोग भी एटोमी के अंदर ज्वाइन है, आज का दिन है उनके लिए काफ़ी खुशी का दिन है, क्योंकि लास्ट में दोस्तों इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो चुकी है और हमारा इंतज़ार है वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे एटोमी लॉन्च होने जा रही है 11 नवंबर को इंडिया में, दिवाली से पहले, यानी कि लक्ष्मी से पहले लक्ष्मी आपको मिलने वाली है, ठीक है। और दोस्तों एक संयोग की बात करें, 11 साल एटोमी को लॉन्च होते हो गए हैं, 2010 में यूएसए से स्टार्ट हुआ था और 11वीं पोजीशन पे एटोमी चल रही है वर्ल्ड वाइड रैंकिंग में। इंटरनेशनल जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है उसमें हर साल का रिकॉर्ड होता है, जितना भी ग्लोबली एक्सपोर्ट होता है, बिजनेस होता है, उसके बेसिस पर रैंकिंग दी जाती है, जिसमें एटोमी 11वीं पोजीशन पर चल रही है और $1.6 बिलियन से ज़्यादा का एक्सपोर्ट ये कर चुकी है करंटली, ओके। और इंडिया में लॉन्च हो रही है 11वें महीने में और 11 बजे, दोस्तों कितनी अच्छी बात है, 11 साल 11वीं पोजीशन वर्ल्ड वाइड और 11वें महीने में 11 बजे सुबह लॉन्च हो रही है, बहुत ही अच्छा कम्बिनेशन है ये 11 का, राइट। और 39 प्रोडक्ट के साथ लॉन्च हो रही है, जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 30 से 40 के बीच प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे यहाँ पे, और बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है कि 39 प्रोडक्ट्स के साथ एटोमी लॉन्च होने जा रही है दोस्तों। जैसा कि आपका मेरा सभी का टारगेट है कि एटोमी इंडिया लॉन्च होते ही हम लोग इम्पीरियल मास्टर के लिए प्लानिंग करें, तो सभी लोग यहाँ पे इम्पीरियल मास्टर बनना चाहेंगे, डेफिनेटली क्यों नहीं बनना चाहेंगे, कंपनी ही ऐसी है, कंपनी ही बेस्ट कंपनी है, कंपनी के प्रोफाइल प्लान प्रोडक्ट्स का कोई जवाब ही नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड, ठीक है। और एटोमी इंडिया ऑनलाइन शॉपिंग मॉल 11 बजे लॉन्च होगा, ठीक है, 11 नवंबर को सुबह 11 बजे, ठीक है, और कोरियन टाइम 2:30 PM, कोरिया का जो समय है इंडिया के जो टाइम है उससे 4 घंटा आगे है, ओके। तो इंडियन टाइम 11 बजे सुबह 11 नवंबर को दोस्तों लॉन्च हो रही है एटोमी, और लॉन्च तो हो रही है, उससे पहले एटोमी का 24 अक्टूबर को सेमिनार होने वाला है हिंदी में, और इसका जो अपडेट हमने लास्ट में अपने वीडियो में दिया था, एटोमी इंडिया प्री लॉन्चिंग सेमिनार इन हिंदी, गुड न्यूज़ है, फर्स्ट प्री लॉन्च सेमिनार ऑफ एटोमी इंडिया 24 अक्टूबर को लॉन्च हो रहा है वो, और 24 अक्टूबर को आप हिंदी में सेमिनार्स देख सकते हैं एटोमी इंडिया का ऑफिशियल सेमिनार, राइट। अब बात करें ग्लोबल मेंबरशिप की कंट्रीज़ की, जितने भी लोगों ने यहाँ पे टीम बनाई है 3 से 4 साल के अंदर, डेफिनेटली उनका फ्यूचर भी सिक्योर होने वाला है और उनकी पूरी की पूरी सक्सेस उनकी टीम के साथ उनको मिलने वाली है। और यहाँ पर क्या है, एटोमी अभी 15 कंट्री में ऑफिशियली लॉन्च हो चुकी है और 16वां कंट्री अभी 27 अक्टूबर को लॉन्च हो रहा है, ओके, हांगकांग, राइट, और कोलंबिया में भी रजिस्ट्रेशन 24 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है, और इंडिया 17वां कंट्री होगा जिसमें एटोमी लॉन्च होने जा रही है 11 नवंबर को, 16वां कंट्री होगा हांगकांग 27 अक्टूबर को, राइट। तो आप इंडिया में हो और अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम इंटरनेशनली जाए, सिंगल आईडी ग्लोबल आईडी, जैसा कि आपको पता है कि एक आईडी के ऊपर आप अपना बिजनेस जो है वो इंटरनेशनली एक्सप्लोर कर सकते हैं, इंटरनेशनल एक टीम बना सकते हैं, तो राइट नाउ रिसेंटली एटोमी में 46 कंट्रीज़ के जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन हुए थे,
और उसके बाद कोलंबिया और उसके बाद हांगकांग का रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। और राइट नाउ हम बात करें तो 46+15 ऑलमोस्ट 63 कंट्रीज़ में आप एटोमी की मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और जो कंट्रीज उनकी लिस्ट यहाँ पे बिल्कुल दिखा रखी है, यूरेशिया में 8 कंट्री यानी कि रशिया में, ठीक है। और टर्की अगले साल लॉन्च होने वाला है और 20 अक्टूबर से एक्सपेक्टेड है कि टर्की का रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो सकता है। ओके, और यूरोप में 30 कंट्रीज़ और एशिया में 2 कंट्री अभी रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ है, बांग्लादेश और मंगोलिया में, राइट। और अफ्रीका में 1 ही कंट्री, साउथ अफ्रीका। और लैटिन अमेरिका में 6 कंट्री, राइट साइड में आप देख, तो टोटल 53 कंट्री प्लस में रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और इसके बाद वियतनाम और टर्की की बारी लॉन्चिंग में, नेक्स्ट ईयर शायद वियतनाम और टर्की लॉन्च होने वाला है, या हो सकता है दिसंबर तक भी एटोमी की तरफ से ऑफिशियल न्यूज़ आपको मिल सकती है, पूरी पूरी संभावना है। ओके, तो आप अपने सिंगल आईडी पे ग्लोबल ली जितने भी मेंबर्स हैं वो रिक्रूट कर सकते हैं और एक इंटरनेशनल टीम बना सकते हैं। और टीम वाले ऑलरेडी इंटरनेशनली काम कर रही है एक अच्छे लेवल पे। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि फ्री डिलीवरी अमाउंट, अगर आप एटोमी 11 नवंबर को लॉन्च होता है, अगर 10,000 रुपये या इससे ज़्यादा का सामान आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो आपको डिलीवरी अमाउंट नहीं देना पड़ेगा, शिपिंग फ्री रहेगी आपकी। ओके, और जो शिपिंग है वो सीजे डार्सल कंपनी के द्वारा मैनेज की जाएगी। सीजे डार्सल का जो साथ की जो सहभागी कंपनी है वो ई कॉम एक्सप्रेस है और DTDC कुरियर है और भारतीय पोस्ट, इंडियन पोस्टल सर्विस। और जो सेंटर में आप ये जो देख रहे हैं जोन्स बना रखे हैं उन्होंने, NCR जोन्स, ओके, विद इन रीजन, मेट्रो सिटीज़, रेस्ट ऑफ इंडिया, ये ए से लेकर के एफ तक जोन्स बना रखे हैं। और एग्जांपल्स यहाँ पे दे रखे हैं कि किस किस जोन में कौन कौन सा सिटी इंडिया का फॉल करता है, राइट। और उसके हिसाब से राइट साइड में ये जो पोस्टल चार्जेस वगैरह हैं वो यहाँ पे दिखा रखा है बिल्कुल। और डिलीवरी टाइम 5 से 8 दिन, यानी कि आप इंडिया के किसी भी कोने में हो तो एटोमी का प्रोडक्ट आपके पास 5 to 8 डेज में आपके घर पे होगा वो। ओके, तो बहुत बड़ी न्यूज़ है दोस्तों। और टोटली 28,178 पिन कोड के ऊपर ये काम कर चुके हैं जिनमें आपको कुरियर सर्विसेज के थ्रू एटोमी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, राइट। और इसके अलावा DTDC की हेल्प ली जाएगी, ई कॉम एक्सप्रेस की और भारतीय डाक की, राइट। अब बात आती है दोस्तों एजुकेशन सेंटर की। तो एजुकेशन सेंटर की जो एप्लीकेशंस हैं ऑन गोइंग, 65 एजुकेशन सेंटर इंडिया में ऑन गोइंग एप्लीकेशंस अंडर प्रोसेस में चल रही है। और एटोमी एजुकेशन की जो साइट है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, atomyeducation.in के नाम से है, जिसमें से 31 जो नई एप्लीकेशन है वो फर्स्ट स्टेप पे हैं और 2 का ऑनलाइन एग्जामिनेशन के उस स्टेप पे है और 25 एप्लीकेशन का टेलीफोनिकली राउंड चल रहा है। और 5वें राउंड पे, जो 4th राउंड पे 4 एप्लीकेशंस है और उसके बाद 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां कंप्लीट होना है। तो आप मान के चलिए अभी जैसा कि लेटेस्ट जो है, जल्दी से जल्दी जितने भी एजुकेशन सेंटर्स के एप्लीकेशन आप लोग अप्लाई करोगे और जितने भी 8 स्टेप हैं एजुकेशन सेंटर्स के, तो वो आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। और 8 स्टेप कंप्लीट होने के बाद आपका स्कोर डिसाइड किया जाएगा, 60% से अबव है तो एटोमी इंडिया की तरफ से आपको एजुकेशन सेंटर ओपन करने के लिए आपको बोला जाएगा। और जो भी क्राइटेरिया है वो आपको फुलफिल करना है कि एजुकेशन सेंटर ओपन करने का क्या क्राइटेरिया है। ओके, नेक्स्ट अब बात आती है यहाँ पे कि मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा। जैसा कि आप सभी लोग बाई करते हो सामान ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से, अमेज़न से, स्नैपडील से, सेम वे में वहाँ पे जो मोड ऑफ पेमेंट गेटवे था, एटोमी में ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांसफ़र है, यहाँ पे आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं आपका जो भी बैंक अकाउंट है, उसके बाद आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ UPI सर्विसेज को भी यहाँ पे एनरोलमेंट किया गया है। और UPI सर्विसेज के थ्रू गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, पेटीएम हो गया और दूसरे जो एप्लीकेशंस हैं मोड ऑफ पेमेंट गेटवे, वो भी आप कर सकते हो UPI के थ्रू, जैसे भीम एप्लीकेशंस लाइक दैट। ओके, तो ये सारे के सारे मोड ऑफ पेमेंट हैं। आप प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑर्डर करोगे, प्रोडक्ट घर पर मिलेगा और जो पैसा आप ऑनलाइन पे करोगे उसके डिफरेंट पार्ट है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांसफ़र और वॉलेट्स जो अलग अलग टाइप के दिखा रखे हैं यहाँ पे, डिजिटल वॉलेट्स जिनको बोला जाता है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया पेमेंट के जो मेथड है। अब बात आती है यहाँ पे कितने प्रोडक्ट एटोमी लेकर के आ रही है। तो दोस्तों ये स्लाइड है बिल्कुल कोरियन लैंग्वेज में दिखा रखा है, 102 प्रोडक्ट इंडिया में अप्रूव हो चुके हैं और 6 प्रोडक्ट अंडर रजिस्ट्रेशन है जैसा कि आपको पता है, जिसमें हीमो एमबी एक है। और 108 प्रोडक्ट टोटल
एटोमी इंडिया में काम चल रहा है, जिसमें से 102 प्रोडक्ट अप्रूव हो चुके हैं और टोटल एटोमी प्लान कर रही है 39 प्रोडक्ट्स यहाँ पे लॉन्चिंग की पूरी पूरी संभावना है। फिर उसके बाद हर महीने 2 महीने कुछ प्रोडक्ट्स की संख्या ये बढ़ाते रहेंगे जैसे जैसे प्रोडक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव होते रहेंगे, और ये प्रोडक्ट हर महीने कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स बढ़ाते रहेंगे डेफिनेटली। ओके, और रही बात हिमो हिम की, काफ़ी लोगों का क्वेश्चन है कि हिमो हिम लॉन्च होगा कि नहीं, तो दोस्तों इसकी जो न्यूज़ है वो एटोमी इंडिया ऑफिस की तरफ से आपको दी जाएगी। हिमो हिम का टेस्टिंग चल रहा है, सैम्पलिंग चल रहा है, लैब टेस्टिंग चल रहा है, और आपको पता है इंडिया के अंदर FSSAI अप्रूवल और काफ़ी डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे फूड एंड हेल्थ सप्लीमेंट्स का जो अप्रूवल है वो लेना पड़ता है, लेकिन वो टेस्टिंग और सैम्पलिंग लैब टेस्टिंग में काफ़ी टाइम लगता है इंडिया के अंदर। तो ये बात आपको समझनी होगी, जैसे ही फूड और हेल्थ सप्लीमेंट्स एट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव करेगी तो एटोमी ऑफिशियल्स की तरफ से आपको बता दिया जाएगा कि हिम ओम आ रहा है, कब आ रहा है, राइट। जो भी प्रोडक्ट्स हैं हेल्थ सप्लीमेंट्स और फूड की कैटेगरी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आएंगे 100% आएंगे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव करेगी, उसके बाद प्रोडक्ट का स्टॉकिंग करेगी कंपनी इंडिया में, और स्टॉक करने के बाद कंपनी डिक्लेयर करेगी, डेफिनेटली आपको मिलेगा। थोड़ा पेशेंस रखिए, सारे के सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे। ओके, नेक्स्ट इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, पेमेंट डिलीवरी के बारे में हम ऑलरेडी आपसे बता चुके हैं, और एटोमी लॉन्च हो रही है 11 नवंबर को 11 बजे, बहुत बड़ी बात है, ये कोरियन लैंग्वेज में है। ओके, और इसके बाद कुछ लेटेस्ट अपडेट और दे देता हूँ मैं आपको। एटोमी इंडिया का जो लेटेस्ट प्राइस लिस्ट है दोस्तों, अभी मार्केट में आप जो भी प्राइस लिस्ट देख रहे हो दोस्तों, वो एटोमी इंडिया ऑफिस की तरफ से जारी नहीं की गई है, और ऑफिस में हमारी बात हुई थी कि एटोमी इंडिया ने DP प्राइस की जो लिस्ट है अभी डिक्लेयर नहीं की है। तो आप वेट कीजिए, जो भी रूमर्स हो रहे हैं मार्केट के अंदर उन पर बिलीव ना कीजिए जब तक एटोमी इंडिया ऑफिस की तरफ से कोई वीडियो एटोमी इंडिया ऑफिस के यूट्यूब चैनल पर ना आए, या एटोमी इंडिया का जो ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप है उसके ऊपर जब तक कंफर्मेशन ना आए तब तक आप जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनसे दूर रहिए और अपनी टीम को भी दूर रखिए, ठीक है। एटोमी इंडिया की ऑफिस की तरफ से जो डीपी प्राइस है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है, जिस दिन एटोमी लॉन्च होगी आप आईडी में लॉगिन करोगे तो वहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट करेगा, या उससे पहले एटोमी इंडिया की तरफ से अगर आपको बताना चाहेंगे तो वो आपको डिक्लेयर करेंगे। तो वेट कीजिए, एटोमी इंडिया का जो प्रोडक्ट प्राइस है वो अंडर कंसिडरेशन है और वो सही जानकारी आपको ऑफिस की तरफ से दी जाएगी, और प्राइस के बारे में जो भी अपडेट है वो एटोमी इंडिया ऑफिस की तरफ से जानकारी दी जाएगी, नेगेटिव न्यूज से दूर रहिए। नेक्स्ट, अब बात आती है एटोमी इंडिया हैज़ प्लानिंग टू ओपन मोर ऑफिस ब्रांचेस लाइक गुड़गांव एटोमी हेडक्वार्टर। तो एटोमी इंडिया अभी काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं कि ब्रांच ओपन होगी, तो दोस्तों ब्रांच तो पूरी ओपन होगी, कोई डाउट नहीं है, लेकिन अभी एटोमी इंडिया 11 नवंबर को लॉन्च हो रही है और इंडिया के जितने भी मेट्रो सिटीज़ हैं इनका स्टार्टिंग में प्लान था कि इंडिया के 10 बड़े शहरों में एटोमी की ऑफिस ओपन किए जाएँ, लेकिन रिसेंटली अभी इन्होंने बताया नहीं है कि कितने ब्रांचेज इंडिया में एटोमी हेडक्वार्टर्स खुलेंगे गुड़गांव ब्रांच की तरह। तो आप वेट कीजिए, इंडिया के जो भी मेट्रो सिटीज़ हैं मान के चलिए उसमें एटोमी की ब्रांचेज जब एटोमी इंडिया में लॉन्च हो जाएगा उसके बाद उनमें काम स्टार्ट हो जाएगा और उसकी जो नई नई ब्रांचेज हैं वो ओपन होंगी। अब कितनी ब्रांच होगी इसके बारे में दोस्तों कंपनी बताएगी आपको ऑफिशियली, वेट कीजिए। ओके, एटोमी गुड़गांव ऑफिस की तरह काफ़ी ब्रांचेज ओपन होने वाली है, जितने भी एटोमियंस हैं उनके सकरी आपको पसंद आई होगी, और टीम वारियर के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं, जैसे कि पता है कि टीम वारियर एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है और हमारा इंडिया के अंदर हम प्रोफेशनली एटोमी की A to Z जानकारी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसके अलावा जो लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, लेडी लीडर्स की जो क्वालिटी होती है, जितने भी लेडी लीडर्स हमारे साथ आ चुके हैं वो डेवलप हो चुके हैं और बहुत बड़े लेवल पे हमारे लेडी लीडर्स भी काम कर रहे हैं, और लेडी लीडर्स के लिए स्पेशल हमारे लेडी लीडर्स के थ्रू मीटिंग भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, और डेफिनेटली हम लीडरशिप डेवलपमेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी चला रहे हैं काफ़ी टाइम से, और एटोमी पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा हमारे पास यहाँ पे डिजिटल ऑनलाइन मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एटोमी की लेटेस्ट मार्केटिंग किस प्रकार से की जाए, किस प्रकार से टीम को डेवलप किया जाए, किस प्रकार से टीम को मैनेज किया जाए, पूरी की पूरी टीम प्लानिंग, लीडर्स को कैसे डेवलप किया जाए, लीडर्स को स्टेज के लिए कैसे रेडी किया जाए, लीडर्स का डुप्लीकेशंस कैसे किया जाए, सबसे पहले लर्न फिर अर्न देन स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले हमको लर्न करना है, फिर डुप्लीकेट करना है, फिर अर्न करना है, सिंपली लर्न डुप्लीकेट एंड अर्न, दैट्स ऑल। ओके, और अगर आप एटोमी टीम वारियर के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, और अगर आप एटोमी टीम वारियर को सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं दोस्तों तो आप फॉलो कर सकते हैं, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। और अगर अभी तक आपने एटोमी ज्वाइन नहीं किया है तो आप टीम वारियर के साथ ज्वाइन कर सकते हो, आपको टीम वारियर एजुकेशन सिस्टम का ग्लोबली फुल सपोर्ट मिलेगा दोस्तों,
और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर किया कीजिए ताकि सभी लोगों को अवेयरनेस प्राप्त हो सके एटॉमी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको एटॉमी की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है टीम वारियर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मिलती रहे। तो इस वीडियो को देखने के लिए और लास्ट तक बने रहने के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच दोस्तों।